दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ई रूपी लॉन्च करने वाले हैं डिजिटल पेमेंट्स के लिए। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि क्या है ये ई रूपी और कैसे ये काम करता है। तो इसके बारे में जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेगा। तो चलिए बिना कुछ देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा से ही डिजिटल वर्ल्ड को बढ़ावा देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू 4:30 बजे ई रूपी लॉन्च करने वाले हैं। ई रूपी डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया जा रहा है। ई रूपी एक कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस इंस्ट्रूमेंट है डिजिटल पेमेंट्स के लिए, जिसे नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अपने UPI प्लेटफॉर्म पर बनाया है। साथ ही साथ NPCI ने डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की भी मदद ली है। आपके मन में ये सवाल आ ही रहा होगा कि ई रूपी लॉन्च करने की क्या जरूरत थी। वैसे आजकल मैक्सिमम सारे ट्रांजेक्शन कैशलेस ही हो रहे हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ई रूपी को यूज़ करने के लिए आपको कोई कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल ऐप जैसे कि गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक QR कोड और SMS स्ट्रिंग ई वाउचर है, मतलब एक कूपन जैसा है, जो कि बेनिफिशियरीज के मोबाइल पर भेजा जाएगा और जब वो उनको रिडीम करेंगे तब उनके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। और इसको रिडीम करने के लिए आपको कोई मोबाइल ऐप की भी ज़रूरत नहीं होगी। आपने पहले वो मोबाइल रिचार्जेस के लिए कूपन तो खरीदे ही होंगे, जिसमें वो कोड डालने के बाद मोबाइल में रिचार्ज हो जाता था। ई रूपी भी बेसिकली वैसे ही काम करेगा। ई रूपी ये भी एंश्योर करता है कि जब ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाए तभी सर्विस प्रोवाइडर के अकाउंट में पैसे जाए और उनको पेमेंट टाइमली हो। आपने गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम तो यूज़ किया ही होगा और साथ ही साथ आपने ये भी प्रॉब्लम फेस की होगी कि जिसमें आपका पेमेंट 2-3 दिन के लिए अटक जाता है। पर ई रूपी में ऐसा कोई भी इंटरमीडियरी नहीं होगा और जैसे ही आपका ट्रांजेक्शन खत्म होगा वैसे ही सर्विस प्रोवाइडर के अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। ई रूपी वेलफेयर स्कीम्स के लिए भी यूज़ हो सकता है, जैसे गवर्नमेंट सब्सिडीज, फर्टिलाइजर सब्सिडीज और साथ ही साथ प्राइवेट कंपनी भी इसे यूज़ कर सकती है एम्प्लॉय वेलफेयर और अपनी CSR के लिए। CSR कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि जैसे कंपनी सोसाइटी का ही एक पार्ट है और कंपनी सोसाइटी से ही पैसा कमा रही है, तो कंपनी को भी अपना कुछ प्रॉफिट का हिस्सा उन पर खर्च करना होता है। ई रूपी गवर्नमेंट को लोगों के साथ कनेक्ट करेगा ताकि जो फ़ायदे बेनिफिशियरीज को पहुँचने चाहिए वो उनके पास पहुँचे। ई रूपी के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं और ई रूपी के लिए कोई मोबाइल ऐप भी लॉन्च नहीं किया जाएगा। मुझे लगता है डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए ई रूपी लॉन्च करने का फैसला बहुत सही लिया गया है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इन्फोरेला को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में।